उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में कंचन नगर बी निवासी एक महिला के साथ दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिस पर एसपी ने गंगाघाट कोतवाली में कार्यरत कुछ सिपाहियों को लाइन हाजिर तो कुछ को निलंबित किया था। उन्हीं सिपाहियों ने सादे कपड़े में एक युवक को रोक लिया और उसे जबरन पकड़ने लगे, जिस पर उसके बच्चों ने हंगामा काट दिया, जिसे आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। वहीं गंगाघाट कोतवाली में पिछले सप्ताह कंचन नगर बी निवासी सुनीता के साथ डॉक्टर कॉलोनी बम चौराहे के पास लूट की घटना हुई थी, जिस पर उन्नाव एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और गंगाघाट कोतवाली में कार्यरत दो सिपाही प्रिंस और आकाश चौधरी को निलंबित किया था, जबकि निशंक यादव और अमित पवार, शुभम चौधरी, राकेश सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, करुण यादव, प्रवीण कुमार यादव को लाइन हाजिर किया था। इसके बावजूद निलंबित सिपाही और लाइन हाजिर सिपाही सादे कपड़े में गंगाघाट क्षेत्र में घूम रहे थे। वहीं नेहरू नगर निवासी एक युवक सड़क पर दिखाई दिया, तो वहीं एक निलंबित सिपाही प्रिंस और लाइन हाजिर सिपाही अमित पवार ने उसे रोक लिया और उसे जबरन धक्का मुक्की करने लगे, जिस पर युवक के बच्चों ने बीच बचाव करते हुए हंगामा काट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।